सरयू नदी में शनिवार की सुबह करीब 11 बजे चांदी का शिवलिंग मिला है। सावन में मिले शिवलिंग को साक्षात भगवान शिव का प्रकट होना माना जा रहा है। दर्शन को आस्थावान भी उमड़ रहे हैं। कस्बे के राममिलन साहनी मातेश्वरी घाट के समीप स्नान करने पहुंचे डुबकी लगाते समय नदी में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई दिया। बालू में उन्होंने खुदाई की तो गोलाकार आकार का कुछ दिखाई दिया। राममिलन भयभीत हो गए। उन्होंने मछली मार रहे अन्य मल्लाहों को आवाज़ दी। बुलाने पर रामचंद्र निषाद और दीनानाथ निषाद आए। दोनों ने खुदाई की 1.5 फुट लंबा व 1 फुट चौड़ा चांदी का शिवलिंग नदी के किनारे पानी के बीच बालू से निकला। निषादों ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया लेकिन नहीं उठा सके। शिवलिंग का वजन 30 किलो से ऊपर बताया जा रहा है। रामचंद्र निषाद की 14 वर्षीय पुत्री पूनम निषाद नदी तट पर आई और शिवलिंग की अर्चना पूजा की। इसके बाद शिवलिंग को उठाकर अपने माथे पर रखकर घर लाई। चांदी का शिवलिंग होने के नाते मीना राम बाबा मंदिर के बगल में शिवलिंग पर उसे रखा गया। शिवलिंग का ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया गया। श्याम बाबा प्रदीप कुमार पांडे आनंद कुमार पांडे के रुद्राभिषेक के बाद सूचना पुलिस को दी गई। SI केशव राम यादव कांस्टेबल हरकेश आशीष कुमार तीसरे पहर 3 बजे मौके पर पहुंचे। श्याम बाबा के साथ शिवलिंग को थाने ले आए। थाने में चांदी के शिवलिंग की सूचना पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए लगी रही।